गुड मॉर्निंग गाइस। तो हम लोग उठ गए हैं, आज हमारा थर्ड डे। हमको आज यहाँ से चेकआउट करना है। अभी मैंने यहाँ पे चाय रख दी है बनने के लिए, क्योंकि यहाँ कोई केयर टेकर वगैरह है नहीं, तो खुद की केयर खुद करनी पड़ रही है। तो अभी चाय पियेंगे और फिर यहाँ से हम लोग 11 बजे 10-10:30 बजे तक चेकआउट करेंगे। वैसे तो हम लोग यहाँ पे थर्ड डे जिस दिन भी हमारा चेकआउट रहता है, हम लोग मॉर्निंग में ऐसे पूल में चले जाते हैं, लेकिन इन लोगों ने देखो रात में पूरा केमिकल वगैरह डाल के रख दिया है, तो ये पूरा पानी गंदा है। और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, मतलब यहाँ पे लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम है, लाइट बार बार जा रही है। पानी का भी इशू था, पानी भी नहीं आ रहा है, पानी भी कभी कभी बंद हो जा रहा है। लाइट का तो बहुत ही इशू है, लाइट आ ही नहीं रही है, बहुत बहुत देर तक लाइट नहीं रह रही है। और अभी पूल में भी ऐसा कर रखा है तो हम लोग जा भी नहीं पाएंगे, और केयर टेकर का कोई अता पता नहीं है। आपको मैं दिखाती हूँ, एक्चुअली बस इस विला का जो व्यू है ना, वो बहुत ही सुंदर है। विला अच्छा है, विला का व्यू बहुत अच्छा है, बट यहाँ की फैसिलिटी बहुत बेकार लगी मुझे। हम लोग अब से इससे पहले हम लोग 2 बार आए हैं, मतलब 2 साल से हम लोग, ये हमारा थर्ड ईयर है। इतना बेकार हमारा एक्सपीरियंस कभी नहीं रहा है। इस विला का व्यू बहुत अच्छा है, ये देखो पूरा मतलब पहाड़ों के बीच में है ये, इसीलिए इसका नाम माउंटेन मिस्ट भी रखा है। लेकिन फैसिलिटी के नाम पे मुझे बिल्कुल डब्बा लगा है, एकदम बकवास। पैकिंग सब हो चुकी है ना, यहीं रखूं अमान का? नहीं, इधर रख दे, मैं तय लगा दूंगी सर। तो अभी हमें पूल में तो जाना नहीं है, तो हम लोग नहा धो के रेडी होके अब निकल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकफास्ट का भी कुछ नहीं है, लंच वगैरह का भी कुछ नहीं है। ऐसे बेसिकली हम लोग कभी भी विला में जाते हैं तो केयर टेकर जो रहता है विला का, वही ये मतलब सब बना के देता है खाना पीना। और उन लोग का कैसा रहता है कि पर डे का उन लोग के चार्जेस रहते हैं 1,500 ऐसा, तो 1,500 में आपको जो भी बनवाना रहता है आप बनवा सकते हो, और उनके जो मटेरियल का चार्जेस रहता है वो हमें देना रहता है। और यहाँ पे जो हमने देखा, तो यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे पर पर्सन 1,500 रुपये है, पर पर्सन 1,500 रुपये दिन का है। मतलब अगर आप 10 लोग हो तो आप लोग सोच लो कितना होएगा आपका, 15,000 तो आपका ऐसे ही चला जाएगा, 10-15,000 आपका सिर्फ एक दिन का खाने का जाएगा। तो यहाँ पे वो चीज़ की मोनोपोली है, क्योंकि यहाँ और कोई दूसरे विलास बहुत ही कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, आई थिंक सो। क्योंकि इससे पहले हमने ये चीज़ कभी फेस नहीं करी कि एक दिन का एक आदमी का 1,500 रुपये। हम लोगों ने एक दिन का सबका खाने पीने का 1,500-2,000 जो भी रहता है वो हम पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक दिन का एक आदमी का 1,500 रुपये, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है यार। इससे ज़्यादा आदमी जाके होटल में खा के आ जाएगा, मतलब समझ नहीं आ रहा। इसलिए हम लोगों ने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पास में एक दियोवन करके रेस्टोरेंट है, वो उधर जाके हम लोगों ने खा पी लिया था। द माउंटेन मिस्ट कोई भी आए यहाँ, मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी, मत आना, बिल्कुल भी मत आना। तो गाइस हम लोग निकलने के लिए तैयार हो रहे हैं, और इतने सारे बार मैंने बालों में तेल लगाया है, और यहाँ पे आलू रेडी है, पापा यहाँ पे पैकिंग कर रहे हैं, और यहाँ पे हम लोग अपने विला को टाटा करने वाले हैं। अंदर सब लोग अपनी अपनी पैकिंग कर रहे हैं और सामान ला के गाड़ी में डाल रहे हैं। यहाँ पे सब लोग निकलने की तैयारी हो चुकी है, यहाँ पे मम्मा तैयार हो रही है जाने के लिए, बड़ी काला भी हो रही है, बड़ी काला भी हो रही है, तैयार हो चुकी है। तेरे रूम से करने वाले 3 जने इधर उधर, अरे मेरे रूम में ही सब घुस घुस के इधर उधर कर रहे हैं। देखो पापा को बिलीव नहीं है, मेरा घर अभी भी छाट ही रहे हैं। पापा छाट रहे, कुछ ना कुछ तू छोड़ी देगी, छोड़ के जरूर जाएगी, छोड़ती ही है। सामान सब रख दिया गया है ना, सामान रख लिया सारा? मैंने तो मेरी जैक्सन स्टोन रख ली, पापा साउना वो लेके आ रहे हैं। हाँ लेकर आई थी ना मम्मी घर से नहाने का और कपड़े धोने का साबुन लेकर आए थे। ये देखो हमारे रूम का भी, ये तुम लोगों ने रूम सही से दिखाया था ना, छत दिखाई थी मैंने, क्योंकि दिखाया नहीं है कुछ भी, तुम लोग के ऊपर रह गए। जिन लोगों ने अगर ढंग से दिखाया नहीं हो तो सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैंने इस बार नहीं किया था, बच्चों ने बोला हम दिखाएंगे, तो
छोड़ दिया कि चलो ठीक है तुम लोग जाओ, तुम लोग दिखाओ। अच्छा काम किया बच्चों लोगों ने। गाइस तो अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, हमारे सामान ले जाके रख दिए गए हैं गाड़ी में और बस अब हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं। रेडी, सब रेडी हो गए? हाँ ठीक, तो चलो अभी। हाँ हाँ सब ले लिया है। चलिए बाय बाय। बच्चे भी रेडी है बैग वैग ले करके, कैप वैप लगा के। चलो पापा रेडी। हाँ एक फोटो ले लेते हैं। देखो यहाँ पे 10:30 होने आए, हमारा चेकआउट का टाइम हो गया है और अभी तक यहाँ लाइट नहीं आई है। ये केमिकल वाला स्विमिंग पूल वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है, सुबह से लाइट गई हुई है, अभी तक नहीं आई है। अभी हम लोग फिर से जा रहे हैं घर सूरज। अभी हम लोग आ गए हैं एक जगह, थोड़े से छोटा सा एक होटल है, वहाँ पे हम लोग अभी नाश्ता करेंगे, थोड़ा कुछ खा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वहाँ पे तो हमने कुछ खाया नहीं, सिर्फ चाय वाय पिया था। तो बस अभी मैं वड़ा पाव, आप लोग कचौड़ी बोल दिया ना, वड़ा पाव जितने का मुंबई में वड़ा पाव खाने का। तो यहाँ आ गया मेरा वड़ा पाव, मम्मी पापा की कचौड़ी। बज्जी इधर। रुके हैं, ये खंडाला का घाट है, यहाँ पे हम रुके हैं। ये देखो कितना अच्छा यहाँ का व्यू है, और पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं कि वहाँ पे ना वाटरफॉल हो रहा है, और जो बहुत सुंदर व्यू है यहाँ पे, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे हॉल्ट करे हैं और यहाँ पे अभी हम फोटो वोटो खिंचाएंगे मस्त मस्त एकदम, और फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ हाँ देखा मैंने वो रहा वाटरफॉल दिखाया, ये तो मतलब अभी समर इतना तगड़ा चल रहा है तब वाटरफॉल है, बारिश में तो और अच्छा दिखता होगा, कितना सुंदर दिखता होगा पहाड़ी। दिख रहा है कैसा दिख रहा है ये पहाड़ देखे? ना टेंशन लेने का नहीं। बस अब हम यहाँ से मेरी ननद के घर जाएंगे, उससे मिलेंगे और फिर सीधा हम लोग सूरत के लिए निकल जाएंगे। मेरी दूसरी गाड़ी भी आ गई है, पीछे कुछ है पापा मम्मी का लगेज, एक बार देख लेते हैं अदरवाइज तो नहीं लग रहा है। ये दूध है मम्मी, नहीं समझे क्या, पानी की बॉटल, चप्पल तुम्हें पहने रहो तुम, तुम भाग गया, तुम अंदर हो जाओ, नानू को निकलने दो, इधर आ जाओ।
पापा के पास नहीं है। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं मैं नहीं, मैं जा रही हूँ। चलो बाय खुदा। नहीं अब निकलेंगे, डेढ़ बज गया यहीं पे। चलो बाय बाय। चलो बाय 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 चल बाय बेटा, बाद में आना ठीक है। चलो चलो पापा खुदा मैक्सिमम हम लोग यहाँ से मुंबई 3 बजे तक निकलने का ट्राई करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना, क्योंकि सूरज जाने के लिए भी हमें 5-6-7 घंटा तो लग ही जाएगा। तो चलिए तैयार है। अरे वापले वापले क्या इतना मिला करके बैठी है। हीरो का हीरो सो रहा है। अच्छा आई नहीं अभी तक। नहीं इसका स्विमिंग क्लास लगी गई थी ना उसका। हाँ। स्विमिंग ओहो सुबह जाती चांद क्या हुआ नहीं है। अरे रे 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 कहाँ जा रही है महिला। तुमको नहीं जाना, चलो चलो बाय बाय बाय। माशु जा रही है हमारे साथ। माशु बाय बाय। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। देगा आप लोग ने देखा कि हम लोग का 2 डे का ये ट्रिप था। यहाँ पर हम लोग ने बहुत सारी मस्ती की, बहुत सारी पूल नहीं की। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर मच, बाय।